आज के बाद आपके ऊपर महंगाई असर नहीं करेगी। बस 12 दाने अनाज के लेकर आप घर के चारों कोनों पर रखेंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी भर आपको रोटी रोजी और अनाज की तंगी कभी नहीं होगी। आपको करना क्या है, ये 3 आपको दाने लेने हैं, इसमें आपको लपेट कर इस तरीके से पूड़ियां बनानी है। उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने घर का ये एक मॉडल, इस तरीके से आपको घर के एक कोने पर आपको ये एक पूड़िया रख देनी। मैं डॉक्टर फहद अल-अतारी, रोशनी वाला आपका रूहानी मालिक, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर .com। समझ के सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए 12 दाने चावल के, चाहे तो गंदुम लीजिए, चाहे आप ज्वार लीजिए, मकई लीजिए, चाहे तो आप जौ लीजिए, चाहे आप बाजरा लीजिए, जो कोई भी अनाज आपकी सरजमीन पर आपके मुल्क में ज्यादा होता है मालूम कीजिए, वो आपको इस्तेमाल करना है। हर चीज मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भला होने वाला है, तो फिर आइए सीखते हैं। इस वीडियो के आखिर में मुकम्मल आपको इसकी परहेज एहतियात भी बताई जाएगी, साथ ही साथ इन दानों को किस तरीके से आपको घर में चारों कोनों पर रखना है इसका मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपकी नियत कर लीजिए कि अनाज को रखकर अल्लाह ताला आपके रिस्क में, अनाज में बरकत को इतना ज्यादा शामिल कर देगा, बेबरकत ही अब अनाज की हमेशा के लिए नस्लों के लिए आपकी जाने वाली है। अब हम ये गंदुम के दाने हटा रहे हैं और हम करेंगे चावल के दानों के जरिए से। वजीफा है आपका या रज़ाकों का, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं इन 12 दिनों के, तो हर महीने की 12 दिन हमें करना है, सिर्फ वो सिर्फ 1 माह कर लीजिए, चाहे 2 माह कर लीजिए, चाहे 3 माह। लोगों को यहाँ पे बताया गया है, इस वजीफे के जरिए से लोगों को बहुत ज्यादा फैज़ मिला, फजल मिला, करम मिला। करना क्या है, सिर्फ वो सिर्फ आपको 1 दाना लेना है, उसके ऊपर आपको अव्वल आके 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ आपको 100 दफ़ा या रज़ाकों पढ़ना। या रज़ाकों का वजीफा हम इसके पढ़ने की इंतहा करने वाले, अब आगे चल के मैं आपको मजीद ही बताता हूँ। फिर दूसरा आपको दाना लेना है, फिर अब्बुल्ला के 3 दिन बाद दूसरे के साथ, फिर आपको तीसरा दाना लेना है अब्बुल्ला के 3 दिन बाद दूसरे के साथ, आपको पढ़ना है या रज़ा को 100 दफा पढ़ के इस पान इन दोनों तीनों के तीनों दानों के ऊपर आपको पढ़कर दम कर देना है। फिर आपको लेना है वो नोटें जो कि आपके मुल्क के हिसाब से हों, वो नोटें जो कि दरमियाने रास्ते पर हों। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी आपको नोट नहीं लेनी है, बहुत छोटी आपको नोट लेनी है। मिसाल के तौर पर 2 नोटें 50 वाली अगर आप मिलाएंगे तो 100 रुपए की 1 नोट बन जाएगी, अगर 10-20 रुपए की 2 नोटें अगर जोड़ेंगे, 3 नोट जोड़ेंगे तो 50 की नोट बन जाएगी। अब कोई भी एक नोट वो जिसके अंदर आपको आसानी के, आपको पता है कि फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली जो आम तौर पर आप जो पूरे मुल्क में, पूरे किसी भी मुल्क में आप हों, आपको करना क्या है, ये 3 आपको दाने लेने हैं, इसमें आपको लपेट कर इस तरीके से पूड़ियाँ बनानी है। उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने घर का ये एक मॉडल सिर्फ उसे आपको समझाने के लिए रखा गया है, इस तरीके से आपको घर के एक कोने पर आपको ये एक पुड़िया रख देनी है। बस यकीन जान लीजिए किस जिस शख्स को ये नुस्खा बताया गया, ये अमल बताया गया, बस 12 दिन का ही सिर्फ अमल है, नसीब बदल गया, किस्मत बदल गई, जो कोई भी मुकद्दर था, तकदीर थी, वो भी बदल गई। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन नोटों को आपको रखना है, 12 दानों को आपको रखना है, जो आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन अभी तफसील के साथ आपको बताया गया। करना क्या है, सिर्फ वो सिर्फ आपको 12 दिन के बाद इन दानों को आपको बाहर निकालना है, जाके किसी परिंदों को डालना है। ये जो नोटें हैं, आप किसी फकीर को जाके, किसी अल्लाह के नेक बंदे को जाके आप ये नोटें आप जाके दे देंगे, जैसे ही आप ये रिस्क का रास्ता दूसरे का खोलेंगे, परिंदों का रास्ता खोलेंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क के रास्ते भी खोल देगा। इस दौरान 12 दिन तक आपको रोजाना ये करना है कि 3 दफा अल्लाह के दुरूद शरीफ के साथ इस दानों को हम दम नहीं कर रखे। अगर हम 1000 बार, मैंने आपसे कहा या रज़ा को हम इतना ज्यादा पढ़ेंगे, इतना ज्यादा लिखेंगे कि उसकी इंतहा तक हमें जाना है, आपको रोजाना 1000 बार या रज़ा को पढ़ना है, पढ़कर आपको घर के चारों कोनों पर इन्हीं पुड़ियाओं पर जाके दोबारा जाके दम करना, फिर आकर अच्छी तरीके से दुआ करनी आपको, जिस तरीके से एक माँ से गिड़गिड़ाकर हम कभी रोटी मांगते हैं, कभी कोई अंडा मांगते हैं, कभी कोई चीज़ कोई हमारी पसंद की होती है मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से अनाज मांगेंगे, रिस्क मांगेंगे। आज के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ आपके ऊपर महंगाई भी असर नहीं करेगी, इतना रिस्क अल्लाह ताला आपको देगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, जो दिल में आए जाकर ले दीजिए हर बात, जो कोई भी दुआ में आप शामिल करवाना चाहते हैं रोशनी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, जितनी रोशनी हासिल करना चाहते हैं जाकर कीजिए, जितना बड़ा पैराग्राम जाके लिखेंगे वो सब कुछ शामिल होगा ज़रूर। और रिस्क की तंगी अगर है ना, आपको रिस्क की तंगी है इसीलिए आप बैठकर वीडियो अब तक देख रहे हो, क्या करना है, या रज़ा को जाके लिखना है वीडियो में जाके, जितना ज़्यादा जाके लिखोगे 1-10-100 दफ़ा, जितनी बार जाके लिखना है जाके लिखो या रज़ा को, इतनी बार लिखोगे अल्लाह ताला की रहमतें भर के आपके ऊपर छमाछम बरसें। इस मामले के लिए चंद एहतियाती और परहेजी भी मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ अब एक चीज़ याद रखिएगा,
फैज फजल करम जो कुछ भी आप तक अल्लाह ताला की तरफ से पहुँचा उसे दूसरे तक पहुँचाएं ताकि वो चीज़ आपकी नस्लों में तासीर बन के उतरे, इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ घर के चारों कोनों पर ये सब चीज़ें रख कर खुद का ही सिर्फ भला आपको नहीं करना, आपको लोगों तक भी इस फैज़ को पहुँचाना है। शेयर कीजिए इस आले सवाब की नीयत से बड़ों के लिए और ख़ुद की दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए। इस दौरान आपको रोज़ाना कुरान पाक की तलावा ज़रूर करनी है, नमाज ज़रूर पढ़नी है। घर के अंदर जो कोई भी फ़कीर है उसको खाली हाथ आपको नहीं छोड़ना है, मेहमान आए उसको खिला पिला कर भेजिए, गालम गलोच से परहेज कीजिए, टीवी को बंद रखिए, जितना हो सके मोबाइल फ़ोन को कम इस्तेमाल कीजिए, खुशबू जलाइए घर को मुअत्तर कीजिए, घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस दौरान आपके नसीब के अंदर रिस्क आने वाला है, यकीनी तौर पर आपको ईमानदारी के साथ आपको पूरी यकीन के साथ करना है, इसलिए गड़बड़ वाले सारे काम छोड़ दो, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी बात बताने के लिए, फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ लेना। अगर मुझसे डायरेक्ट कोई सवाल करना चाहते हो तो रोशनी सेंटर के नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप नंबर मिलाइए, चाहे तो roshnicenter.com पे जाइए, व्हाट्सएप तक हमने खोल दिया, लोग बता दिए आपके लिए, और क्या करें। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली करम वाली फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए, अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।